सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, मेरे तो शिव बाबा एक एक दूसरों न कोई, मेरे तो
हाथ मेरा सर जाओ। संग उसी के खेलूं खाऊं, साथ मेरा सर जाओ। उसकी याद में उसके प्यार में सारे सुख अब मैं पाऊं। उसकी याद में उसके प्यार में सारे सुख अब मैं पाऊं। स्नेह सिंधु की मैं लहरों में, स्नेह सिंधु की मैं लहरों में रहती कोई कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई। मेरे तो शिव ओम शांति। ये दुनिया मोहमाया का बहुत बड़ा जाल है, जिस जाल में मनुष्य आत्मा फंसी भी हुई है और उसे पता भी नहीं है। दुखी भी है पर दुख के यथार्थ कारण का पता भी नहीं है। तो ऐसा गुप्त जाल है जो मनुष्य आत्मा के साथ रहता है, उसके भीतर रहता है, परंतु फिर भी आत्माएं उससे अनभिज्ञ रहती हैं। इस जाल का यथार्थ ज्ञान हमें मुक्ति जीवन मुक्तिदाता शिव बाबा आकर देते हैं। और ना केवल इन विकारों का, अपितु इन विकारों से कैसे हम सदाकाल के लिए मुक्त हो जाएं, कैसे हम मोहमाया के जाल को पूरी तरह खत्म कर दें, नष्टो मोहा बन जाएं, स्मृतिर लब्धा बन जाएं, उसका भी ज्ञान देते हैं। तो वंडरफुल है हमारा बाबा, जो बातें हमसे जुड़ी हैं और हमको भी नहीं पता, वो भी बाबा आकर इस दुनिया में, पुरानी दुनिया में आकर हमें बता देते हैं और हमें इस जाल से छुड़ा देते हैं, मुक्त बना देते हैं, स्वतंत्र बना देते हैं। तो आज की मुरली हमें नष्टो मोहा, इस विशेष पुरुषार्थ की ओर ध्यान खिंचवाती है। हम कैसे बने, क्यों बने, किस विधि से बने, वो सब सिखाती है। आज है 8 फरवरी 2024। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे सदा याद रखो कि हम ब्राह्मण चोटी हैं, बिल्कुल टॉप पर पुरुषोत्तम बन रहे हैं तो हर्षित रहेंगे। हम ब्राह्मण चोटी हैं, पुरुषोत्तम बन रहे हैं तो हर्षित रहेंगे। अपने आप से बातें करना सीखो, अपने आप से, तो अपार खुशी रहेगी। प्रश्न है, बाप की शरण में कौन आ सकते हैं, बाप शरण किसको देते हैं? उत्तर है, बाप की शरण में वही आ सकते हैं जो पूरा पूरा नष्टो मोहा हो, जिनका बुद्धि योग सब तरफ से टूटा हुआ हो, मित्र संबंधियों आदि में बुद्धि की लागत ना हो, बुद्धि में रहे। मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। ऐसे बच्चे ही सर्विस कर सकते हैं। बाप भी ऐसे बच्चों को ही शरण देते हैं। तो फिर अपने भीतर चेक करना है, हमारा मोह टूटा हुआ है
सूक्ष्म बुद्धि की रगे जाती तो नहीं है पुरानी दुनिया की तरफ। ओम शांति। यह है रूहानी बाप, टीचर, गुरु। यह तो बच्चे अच्छी रीति समझ गए हैं। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। भल सन्यासी कहते हैं शिवोहम, तो भी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम बाप, टीचर, गुरु हैं। कह देते हैं ना शिवोहम, मैं ही शिव हूँ। लेकिन ऐसे तो नहीं कहेंगे कि मैं बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, गुरु भी हूँ। वह सिर्फ कहते हैं शिवोहम तत्त्वम, तुम भी शिव हो। परमात्मा सर्वव्यापी है तो हर एक बाप, टीचर, गुरु हो जाए। ऐसे तो कोई समझते भी नहीं। मनुष्य अपने को भगवान, परमात्मा कहलाए, यह तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। बच्चों को जो बाप समझाते हैं वह तो बुद्धि में धारण होता है ना। उस पढ़ाई में कितनी सब्जेक्ट्स होती हैं, ऐसे नहीं सब सब्जेक्ट स्टूडेंट की बुद्धि में रहते हैं। सब तो याद नहीं रहता ना। यहाँ जो बाप पढ़ाते हैं वह एक सेकंड में बच्चों की बुद्धि में आ जाता है। बस एक सेकंड में जैसे ही अपने को आत्मा समझा सब आ गया। तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हो। तुम ही त्रिकालदर्शी व स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। तीनों कालों का ज्ञान, स्व का संपूर्ण दर्शन हम कर लेते हैं। उस जिस्मानी पढ़ाई में सब्जेक्ट बिल्कुल अलग है। तुम सिद्ध कर समझाते हो। सर्व का सदगति दाता वह एक ही बाप है। सभी आत्माएं परमात्मा को याद करती हैं, कहती हैं ओ गॉड फादर। तो जरूर बाप से वर्षा मिलता होगा। वह वर्षा खोने से दुख में आ जाते हैं। यह सुख दुख का खेल है। भगवान का वर्षा खो गया तो दुख में आ गए। इस समय सभी पतित दुखी हैं। पवित्र बनने से सुख जरूर मिलता है क्योंकि पवित्रता सुख शांति की जननी है। सुख की दुनिया बाप स्थापन करते हैं। बच्चों को बुद्धि में यह रखना है कि हमको बाप समझाते हैं। कौन समझाते हैं? बाबा समझाते हैं। नॉलेजफुल एक बाप ही है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप ही देते हैं। और सभी धर्म जो स्थापन हुए हैं वह अपने समय पर आएंगे। यह बातें और कोई की बुद्धि में नहीं है। किसी को नहीं पता ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है और फिर से धर्म स्थापक आएंगे, धर्म स्थापन करेंगे। केवल हमें पता है और किसी की बुद्धि में नहीं है। तुम बच्चों के लिए बाप ने यह पढ़ाई बिल्कुल सहज रखी है, इजी। सिर्फ थोड़ा विस्तार से समझाते हैं। मुझे बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सत्व प्रधान बन जाएंगे। सिंपल। योग की महिमा बहुत है। प्राचीन योग भारत का गाया हुआ है, इस योग की महिमा है। परंतु योग से फायदा क्या हुआ था यह किसको पता नहीं है। यह है गीता का वही योग जो निराकार भगवान सिखलाते हैं।
भगवान क्या सिखलाते हैं? राजयोग सिखाते हैं। ये वही योग है। बाकी जो भी सिखलाते हैं वह मनुष्य है, देवताओं के पास तो योग की बात ही नहीं। यह हठ योग आदि सब मनुष्य सिखलाते हैं, देवताएं न सीखते हैं न सिखलाते हैं। दैवी दुनिया में योग की बात नहीं, योग से सब पावन बन जाते हैं। वह जरूर यहां बनेंगे क्योंकि यहां पतित है ना। बाप आते ही हैं संगम पर नई दुनिया बनाने। अभी तुम पुरानी दुनिया से नई दुनिया में बदली हो रहे हो। यह किसको समझाना भी वंडर है। हम ब्राह्मण चोटी है, सतयुग और कलयुग के बीच में है ब्राह्मण चोटी। इसको ही संगम युग कहा जाता है, जिसमें तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। यह बच्चों की बुद्धि में रहे, क्या रहे कि हम पुरुषोत्तम बनते हैं तो सदैव हर्षित रहेंगे। हम पुरुषोत्तम बनते हैं, पुरुषों में उत्तम आत्माओं में उत्तम आत्मा। जितना सर्विस करेंगे उतना हर्षित रहेंगे। कमाई करनी और करानी है ना। अंदर रहेगा ना ज्ञान, फिर दूसरों को भी ज्ञान सुनाएंगे तो सुनाते सुनाते उनकी दुआएं भी मिलेंगी, और बार बार रिपीट करने से अंतरात्मा भी और ज़्यादा पवित्र होती जाएगी, रिफाइननेस आती जाएगी, हर्षित रहेंगे। जितना प्रदर्शनी में सर्विस करेंगे तो सुनने वालों को भी सुख मिलेगा, जो सुनते हैं उनको भी तो सुख मिलेगा, अपना और दूसरों का कल्याण होगा। सबका कल्याण करना है, अपना भी और दूसरों का भी। छोटे सेंटर पर भी मुख्य 5-6 चित्र जरूर चाहिए। उन पर समझाना सहज है। सारा दिन क्या करना है? सर्विस ही सर्विस। मित्र संबंधियों तरफ कोई भी लागत नहीं होनी चाहिए। इतने जन्म और क्या किया है? मित्र संबंधी घर गृहस्थी यही तो की है। अब बाबा आए हैं तो अब कोई लागत नहीं होनी चाहिए। जो इन आँखों से देख रहे हो, जो कुछ दिख रहा है, उन सब का विनाश होना है। बाकी जो दिव्य दृष्टि से देखते हो, सोल, सुप्रीम सोल, सतयुग, परम धाम है ना, उनकी स्थापना हो रही है। ऐसे अपने से बातें करो तो तुम पक्के हो जाएंगे। खुद से बातें करो। बेहद के बाप से मिलने की खुशी होनी चाहिए। कोई राजा के पास जन्म लेता है तो कितना फखर में रहता है। तुम बच्चे स्वर्ग के मालिक बन रहे हो। हर एक अपने लिए मेहनत कर रहे हैं, बाबा के लिए नहीं कर रहे, अपने लिए कर रहे हैं। बाप सिर्फ कहते हैं काम चिता पर बैठ, तुम काले हो गए हो। अब ज्ञान चिता पर बैठो तो गोरे बन जाएंगे। बुद्धि में यही चिंतन चलता रहे। भल ऑफिस में काम करते रहो, याद करते रहो। ऐसे नहीं फुर्सत नहीं है, मिलती है फुर्सत, ऐसा नहीं है ना। लंच करते हैं, बीच में छोटा छोटा ब्रेक लेते रहते हैं, तो उस समय बाबा को याद करो। जितनी फुर्सत मिले रूहानी कमाई करो। कितनी बड़ी कमाई है। हेल्थ वेल्थ दोनों एक साथ मिलती है। एक कहानी है अर्जुन और भील की।
भील एकलव्य की कहानी बताते हैं ना, ऐसे गृहस्थ व्यवहार में रहकर ज्ञान युग में अंदर वालों से भी तीखे जा सकते हैं। सारा मदार याद पर है। जितना याद करते हैं ना, तो कहीं भी रहते हैं, कोई भी स्थान में रहते हैं, समर्पित हैं या गृहस्थ में रहते हैं, सारा मदार योग पर है। तो जितना योग में रहेंगे उतना तीखे चले जाएंगे। यहाँ सब बैठ जाएंगे तो सर्विस कैसे करेंगे? रिफ्रेश होकर सर्विस में लग जाना चाहिए। क्या करना है? आए बादल भरे और फिर सर्विस में लग जाओ। रिफ्रेश होकर सर्विस में लग जाना है। सर्विस का ख्याल रखना चाहिए। बाबा तो प्रदर्शनी में जा ना सके क्योंकि बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। बाबा की आत्मा और इनकी आत्मा इकट्ठी है। यह वंडरफुल युगल है। बाप दादा वंडरफुल युगल है। इस युगल को तुम बच्चों के सिवाय और कोई जान ना सके। हमें ही पता है इस युगल का। अपने को युगल भी समझते हैं फिर भी कहते हैं मैं एक ही बाबा का सिकी लदा बच्चा हूँ। ब्रह्मा बाबा कहते हैं इस लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखकर बहुत खुशी होती है। हमारा दूसरा जन्म यह है। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुना रहे हैं। हम गद्दी पर जरूर बैठेंगे। तुम भी राजयोग सीख रहे हो। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। हमारी भी एम ऑब्जेक्ट लक्ष्मी नारायण ही है। इन्हें तो खुशी है। ब्रह्मा बाबा को खुशी है कि मैं बाबा का सिकीलदा बच्चा हूँ। फिर भी सदैव याद ठहरती नहीं। तो माया बड़ी दुस्तर है, किसी को भी छोड़ती नहीं है। और तरफ ख्यालात चले जाते हैं। ड्रामा का लॉ नहीं जो एकदम याद ठहर जाए और कोई ख्याल ना आए। बिल्कुल यही मन चाहता है कि बस बाबा की याद रहे और कोई ख्याल भी ना आए। पर फिर वहाँ चला जाता है बुद्धि का योग। माया के तूफान याद नहीं करने देते। माया क्या है? मैं आया है ना। जैसे ही देह भान थोड़ा सा आता है ना, बस बुद्धि खिसक जाती है। जानता हूँ हमारे लिए बहुत सहज है क्योंकि एक ही ब्रुकुटी में दोनों बैठे हैं, इकट्ठे हैं। क्योंकि बाबा की प्रवेशता है। बाबा का नंबर वन सिकीलदा बच्चा हूँ। देखो बाबा को कितना नशा। पहले नंबर में राजकुमार बनूंगा। फिर भी याद भूल जाती है। बिल्कुल पारे की तरह खिसक जाती है। अनेक प्रकार के ख्यालात आ जाते हैं। यह है माया। समझना है, ये जो अनेक प्रकार के ख्यालात आते हैं ना, यही माया है। जब इस बाबा को अनुभव हो तब तो तुम बच्चों को समझा सकें। यह ख्यालात कब बंद होंगे? बंद तब होंगे जब कर्मातीत अवस्था होगी। जब तक इन कर्म इंद्रियों में आत्मा है, कर्म संबंधों में आत्मा है, तब तक कुछ ना कुछ ख्यालात तो आएंगे। आत्मा संपूर्ण बन जाए फिर तो यह शरीर रह ना सके। तो ना शरीर, न शरीर से संबंधित कोई ख्याल। शिव बाबा तो सदैव प्योर ही प्योर है। पतित दुनिया और पतित शरीर में आकर पावन बनाने का पाठ भी इनका ही है, शिव बाबा का है। ड्रामा में बंधा ईमान है। तुम पावन बन गए तो फिर नया शरीर चाहिए। शिव बाबा को अपना शरीर तो है नहीं।
इस तन में इस आत्मा का महत्व है, उनका रखा क्या है। वह तो मुरली चलाकर चले जाते हैं, शिव बाबा आते हैं, मुरली चलाते हैं, चले जाते हैं, वह फ्री है। कभी कहाँ चले जाएंगे। बच्चों को भी फील होता है कि यह शिव बाबा मुरली चला रहे हैं, अंदर से फील होता है कि ये जो महावाक्य हैं मेरा बाबा सुना रहा है। तुम बच्चे समझते हो, हम बाप को मदद करने के लिए इस गॉडली सर्विस पर खड़े हैं। ऐसे अंदर में फीलिंग हो, बाबा की मदद करने के लिए ईश्वरीय सेवा अर्थ हम यहाँ पर खड़े हैं। बाप कहते हैं हम भी अपना स्वीट होम छोड़ कर आए हैं, परम धाम अर्थात परे ते परे धाम है मूल वतन, बाकी खेल सारा सृष्टि पर चलता है। तुम जानते हो यह वंडरफुल खेल है, बाकी दुनिया एक है। वो लोग चांद पर जाने की कोशिश करते हैं, यह तो साइंस का बल है, दिखाते हैं ना। साइलेंस के बल से हम जब साइंस पर जीत पाते हैं तब साइंस भी सुखदाई बन जाती है ना। कब सुखदाई बनती है? जब साइलेंस के बल से साइंस पर विजय पाते हैं। यहाँ साइंस सुख भी देती है तो दुख भी देती है, वहां तो सुख ही सुख है, दुख का नाम नहीं। ऐसी बातें सारा दिन बुद्धि में रहनी चाहिए, ऐसे चलना चाहिए। बाबा को कितने ख्यालात रहते हैं, बांधेलियां विष पर कितनी मारे खाती हैं, कोई तो मोहवश फिर फंस पड़ते हैं। निश्चय बुद्धि वाले झट कहेंगे हमको अमृत पीना है, इसमें नष्टो मोहा चाहिए, ऐसा कहने के लिए नष्टो मोहा स्थिति चाहिए, पुरानी दुनिया से दिल उठ जानी चाहिए। ऐसे ही सर्विसेबल दिल पर चढ़ सकते हैं जिनका बुद्धि योग पुरानी दुनिया से उठ चुका है, उनको शरणागति दे सकते हैं, फिर वो समर्पित हो सकते हैं। कन्या पति की शरण में जाती है, मैरिज होती है तो ससुराल में जाती है, विष बिगर नहीं रखते, फिर बाप को शरण लेना पड़ता है विष से छुड़ाने के लिए। परंतु कंडीशन क्या है? एकदम नष्टो मोहा चाहिए। पतियों का पति मिला, अब उनसे हम बुद्धि योग की सगाई करते हैं, बस मेरा तो एक दूसरा ना कोई। जिसे कन्या की पति से प्रीत जुट जाती है, यह है आत्मा की प्रीत परमात्मा से। उनसे दुख मिलता है, उस पति से इनसे सुख मिलता है। यह है संगम, इसको कोई जानता नहीं। तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए, कौन मिला है? पतियों का पति मिला है हमको, और क्या मिला है? खिवैया अथवा बागवान मिला है, जो हमें फूलों के बगीचे में ले जाते हैं। इस समय सभी मनुष्य कांटे मिसल बन पड़े हैं। कांटे क्या करते? चुभते हैं ना, दुख देते हैं। सबसे बड़ा कांटा है काम का। पहले तुम निर्विकारी फूल थे, धीरे धीरे कला कम हो गई, अब क्या बन गए? फूल से क्या बन गए? अब तो बड़े कांटे हो गए हो, बड़े कांटे। बहुत सारे विकार चले जाते हैं ना, तो सबको बहुत दुख देते हैं।
बाबा को बबुल नाथ भी कहते हैं, तो कांटों को फूल बनाते हैं। तुम जानते हो असली नाम शिव है, ये तो कर्तव्यवाचक नाम है, असली नाम शिव है। बबुल नाथ नाम रखते हैं क्योंकि कांटों को फूल बनाते हैं। भक्ति मार्ग में बहुत नाम रखते हैं, कितने सारे नाम हैं शिव बाबा के। वास्तव में असली नाम, नाम एक ही शिव है। रुद्र ज्ञान यज्ञ व शिव ज्ञान यज्ञ बात एक ही है। रुद्र यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली और श्री कृष्णपुरी अथवा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। तुम इस यज्ञ द्वारा जो शिव बाबा ने रचा है, इस यज्ञ द्वारा मनुष्य से देवता बनते हो। कोई स्थूल अग्नि नहीं है, यहाँ योग अग्नि है जिसमें हमें अपना पुराना सब कुछ स्वाहा करना है, पवित्र बना देना है। चित्र भी वंडरफुल बनाते हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, भक्ति मार्ग में चित्र है ना, यह सब बातें तुम जानते हो। वास्तविकता क्या है तो हम जानते हैं कि ब्रह्मा सरस्वती ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, यह निश्चय है। लक्ष्मी नारायण ही 84 जन्मों के बाद ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। तो ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। मनुष्य तो ऐसी बातें सुनकर चकित होते होंगे, ऐसा तो कभी सोच ही नहीं सकते। खुशी में भी आते होंगे, परंतु माया कम नहीं है, रहने नहीं देती खुश, है ना। काम महाशत्रु है, माया नाम रूप में फंसाए गिरा देती है, बाप को याद करने नहीं देती, फिर वह खुशी कम हो जाती है। इसमें खुश नहीं होना चाहिए कि हम बहुतों को समझाते हैं, पहले देखना है बाबा को कितना याद करता हूँ। पहले अपने अंदर दिल दर्पण में झांकना है कि मैं बाबा को कितना याद करता हूँ। रात को बाबा को याद करके सोता हूँ या भूल जाता हूँ, ये चेक करो। कोई बच्चे तो पक्के नेमी भी हैं, बिल्कुल नियम के जो पक्के होते हैं ना, उन्हें कहते हैं नेमी, नेमीनाथ। तुम बच्चे बहुत लकी हो, बाप के ऊपर तो बहुत बोझ है। ब्रह्मा बाबा बताते कि इनके ऊपर तो बहुत बोझ है, परंतु फिर भी रथ को रियायत मिल जाती है, थोड़ी सी कंसेशन मिल जाती है। ज्ञान और योग भी है, इसके बगैर लक्ष्मी नारायण पद कैसे पाएंगे। खुशी तो रहती है, हम अकेला बाप का बच्चा हूँ। ब्रह्मा बाबा अपना नशा शब्दों में बयां कर रहे हैं कि हम अकेला बाप का बच्चा हूँ और फिर मेरे ढेर बच्चे हैं, यह नशा भी रहता है तो माया विघ्न भी डालती है। दोनों चीजें, नशा भी रहता है और माया विघ्न भी डालती है। बच्चों को तो माया के विघ्न आते होंगे, कर्मातीत अवस्था आगे चलकर आनी है ना, उस स्थिति में कोई विघ्न नहीं आता। यह बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, बाप तो प्यार का सागर है, इनकी आत्मा इकट्ठी है, यह भी प्यार करते हैं, समझते हैं जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख और भी करेंगे। बहुत मीठा रहना है, बहुत अटेंशन भी रखनी है, बहुत मीठा भी रहना है, क्योंकि सबकी नज़र हमारे ऊपर है।
तो वह कहते हैं कि बहुत मीठा रहना है, बच्चे बड़े सयाने चाहिए। इन लक्ष्मी नारायण में देखो कितनी सयानप है, कितने सयाने हैं। सयानप से विश्व का राज्य लिया है, समझदारी से, सयानेपन से विश्व का राज्य लिया है। प्रदर्शनी द्वारा प्रजा तो बहुत बनती है। भारत बहुत बड़ा है, इतनी सर्विस करनी है। अभी तो देखो सारा भारत क्या विश्व भी कवर कर रहे हैं। दूसरा, याद में रहकर विकर्म भी विनाश करने हैं। दोनों चीजें, याद भी, सेवा भी, स्व भी, सर्व भी। यह है कड़ा फुरना यानी फिकर, दोनों फिकर, सेवा की भी और विकर्मों को विनाश करने की भी। हम तमु प्रधान से सतु प्रधान कैसे बने, ये है इम्पोर्टेंट फिगर जो अंदर आना चाहिए। फिकर होनी चाहिए, चिंता, दुनियावी चिंता नहीं, पर सतु प्रधान कैसे बने, है ना, विकर्म विनाश कैसे हो, कर्मातीत कैसे बने। इसमें मेहनत है, सर्विस के चांस बहुत हैं। ट्रेन में बैच पर सर्विस कर सकते हो, यह बाबा यह वर्षा, बैच पर लक्ष्मी नारायण भी है, शिव बाबा भी है। बरोबर 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर जरूर इनका राज्य आना चाहिए। हम बाबा की याद से पावन दुनिया का मालिक बन रहे हैं। बाबा की याद से पावन दुनिया का मालिक बन रहे हैं। ट्रेन में बहुत सर्विस हो सकती है, एक डिब्बे में सर्विस कर फिर दूसरे में जाना चाहिए। ऐसी सर्विस करने वाला ही दिल पर चढ़ेगा कि ऐसी सर्विस। बोलो, हम आपको खुशखबरी सुनाते हैं। तुम पूज्य देवता थे, फिर 84 जन्म ले पुजारी बने, ऐसे ऐसे सुनाओ। अब फिर पूज्य बनो, सीढ़ी अच्छी है, इनसे ही सतो रजो तमो स्टेज सिद्ध करनी है। सीढ़ी में बहुत क्लैरिटी से कैसे सतो प्रधान से फिर सतो रजो तमो में आए वो बताया गया है, तो उससे सिद्ध कर सकते हैं। स्कूल में पिछाड़ी में गैलप करने का शौक होता है, अब यहाँ भी समझाया जाता है, जिन्होंने टाइम वेस्ट किया है उन्हों को गैलप कर सर्विस में लग जाना चाहिए। जब एग्ज़ाम्स पास आते हैं तो पढ़ाई नहीं की है तो बस उस समय लग जाते हैं अच्छी तरह। सर्विस की मार्जिन बहुत है, सर्विसेबल बच्चियां बहुत निकलनी चाहिए, जिनको बाबा कहाँ भी भेज दे, एवर रेडी। मंदिरों में सर्विस अच्छी होगी, देवता धर्म वाले झट समझेंगे। गंगा स्नान पर भी तुम समझा सकते हो, बहुत स्कोप्स हैं, है ना। तो दिल पर लगेगा जरूर, जिस धर्म की आत्मा होगी ना उनको बिल्कुल फिट बैठ जाएगा। अच्छा, रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, सदा हर्षित रहने के लिए रूहानी सर्विस करनी है, सच्ची कमाई करनी और करानी है, अपना और दूसरों का कल्याण करना है। ट्रेन में भी बैच पर सर्विस करनी है। सेकंड पॉइंट, पुरानी दुनिया से दिल हटा लेनी है, नष्टो मोहा बनना है, एक बाप से
सच्ची प्रीत रखनी है। नष्टो मोहा और सब प्रीत एक बाप से, सच्ची प्रीत एक बाप से। वरदान है संगम युग के महत्व को जान, हर समय विशेष अटेंशन रखने वाले हीरो पाटधारी भवा। हीरो पाटधारी कैसे बनेंगे? जब संगम युग के महत्व को जानकर हर समय विशेष अटेंशन रखेंगे, है ना? हर कर्म करते हुए सदा यही वरदान स्मृति में रहे। कौन सा वरदान? कि मैं हीरो पाटधारी हूँ। तो हर कर्म विशेष होगा, हीरो पाटधारी हूँ तो हर कर्म विशेष, हर कर्म पर अटेंशन, हर सेकंड, हर समय, हर संकल्प श्रेष्ठ होगा। ऐसे नहीं कह सकते कि यह तो सिर्फ 5 मिनट साधारण हुआ, बिल्कुल भी नहीं, 5 मिनट भी साधारण नहीं। ऐसे नहीं कह सकते कि बस 5 मिनट ही तो थे, उसमें क्या है। संगम युग के 5 मिनट भी बहुत महत्व वाले हैं। 5 मिनट 5 साल से भी ज्यादा है, इसलिए हर समय इतना अटेंशन रहे, सदा का राज्य भाग्य प्राप्त करना है तो अटेंशन भी सदा काल का हो। तो अटेंशन सदा काल का रखेंगे तो सदा काल का राज्य भाग्य मिलेगा। स्लोगन है, जिनके संकल्प में दृढ़ता की शक्ति है उनके लिए हर कार्य संभव है, ना? असंभव को संभव बना देती है दृढ़ता की शक्ति, ना? तो आज सभी क्या होमवर्क करेंगे? याद रखेंगे हम कौन हैं? हीरो पाटधारी हैं। जो कर्म मैं करूंगी मुझे देख सब करेंगे, इतनी जिम्मेवारी है। हमारा हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म श्रेष्ठ हो, इसका अटेंशन रखना है। थोड़ा सा भी साधारणता ना आए, इसका अटेंशन रखना है। हम कौन हैं? हीरो हैं। इस सृष्टि रंगमंच पर हीरो पाटधारी एक्टर हैं। तो इस अटेंशन से जब हर कार्य करेंगे तो कोई टेंशन नहीं होगी, कोई गलती नहीं होगी, हाँ, सब चीज़ें एक्यूरेट ऑटोमेटिकली होने लग जाएंगी, है ना? अच्छा, ओम शांति। हजार उपवन हमारी राहों में, हमारी राहों में खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, हमारी राहों में। आज बसे प्यारे प्रभु जब से इन निगाहों में, हमारी राहों में। आज बसे प्यारे प्रभु जब से इन निगाहों में, हमारी राहों में खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, हमारी राहों में। Thank you.
पुराना नाता अपना, फिर भी लगता नया नया। बहुत पुराना नाता अपना, फिर भी लगता नया नया। ऐ रूहानी जादूगर तो हमें बता दे किया है क्या। ऐ रूहानी जादूगर तो हमें बता दे किया है क्या। हुई मेरी खुशहाल खुशहाल जिंदगी प्रभु पनाहों में, हमारी राहों में खिले खुशी के हजार उपवन, हमारी राहों में। अनुप यही नैनों में अपने निस दिन घूम रहा, रूप अनुप यही नैनों में अपने निस दिन घूम रहा। अनहद के नाद सुने तेरे अंतर आनंद समा रहा, तुझसे मिलाए शीतल छाओं में, हमारी राहों में। ओ सबको बुलाए तुझसे मिलाए शीतल छाओं में, हमारी राहों में खिले खुशी के हजार उपवन, हमारी राहों में। गहने गुणों के हम पहने, हीरा हमें बनाया है। गहने गुणों के हम पहने, हीरा हमें बनाया है। पवित्रता के मोती भर के मस्तक को चमकाया है, पवित्रता के मोती भर के मस्तक को चमकाया है। किरण किरण उतर उतर बिखर गई सभी दिशाओं में, हमारी राहों में। ओ किरण किरण उतर उतर बिखर गई सभी दिशाओं में, खिले खुशी के हजार उपवन, हमारी राहों में, हमारी राहों में।